तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि Realme स्मार्टफोन कंपनी को मार्केट में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी इन 2.5 साल में Realme ने अपना Realme ब्रांड बहुत बड़ा कर लिया है। और अब मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो Realme स्मार्टफोन कंपनी को नहीं जानते होंगे। और कस्टमर को Realme की एक चीज बहुत पसंद आती है, वो है कम कीमत के अंदर एक बढ़िया फीचर वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कराना। और आज भी Realme ने इस बात को कायम रखा है। और अभी Realme ने हाल ही में अपना Realme 6 Pro को लॉन्च किया था, जो कि मेरे हिसाब से लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बस इस फोन में दो चीजों की कमी रह गई। पहला है इसका डिजाइन, जो कि हमें बाकी Realme स्मार्टफोन की तरह देखने को मिला, और दूसरा है इसका डिस्प्ले। लेकिन गाइस, इसी कमी को पूरा करने के लिए Realme अपना Realme 7 Pro लॉन्च करने वाला है, जिसमें हमें इस बार बहुत ही धमाकेदार फीचर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं Realme 7 Pro के बारे में, और साथ में इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग एंड रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। और सबसे बढ़िया बात, इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात रहने वाली है। और सिक्योरिटी के लिए इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और इस बार आपको इस फोन में ग्लास का बैग मिलने वाला है, जो कि 3D फिनिशिंग के साथ आएगा। और साथ ही में इस फोन में आपको फ्रंट में और बैक में दोनों में गोरिल्ला 5 को प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर फोन बहुत ही मजबूत रहने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। तो इस बार इस फोन में आपको स्क्वायर शेप में क्वार्टर रियर कैमरा मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग के सेंसर के साथ आएगा, यानी कि कैमरे की क्वालिटी बहुत ही बिंदास रहने वाली है। उसके साथ ही बात करें इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 20 मेगापिक्सल का, और 8 मेगापिक्सल का होगा सेकेंडरी सेंसर। वहीं पे दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो कि 50W की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, यानी कि आपकी जो चार्जिंग स्पीड होगी वो काफ़ी फास्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि गाइस एक 5G प्रोसेसर है, यानी कि ये फोन आपको 5G नेटवर्क के साथ मिलने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों, बात करें इस फोन के रैम ब्रेन के बारे में। तो ये फोन आपको 2 RAM ब्रेन में मिलने वाला है, 6 128GB, 8 128GB। उसके साथ ही बात करें इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि Realme UI के साथ आएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो गाइस, इस फोन की प्राइसिंग 15 से 16 हज़ार के बीच में ही रहने वाली है। तो गाइस, 15 से 16 हज़ार के बीच में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाते हैं इस फोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, लॉन्च डेट को लेकर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे ही मुझे कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, यही था Realme 7 Pro के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड।